ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा, तो आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे, टॉपिक है द सीक्रेट इज लीक्ड। देयर आर मेनी सीक्रेट्स, बहुत हमारे गुह्य बातें होती है, लेकिन सीक्रेट लीक हो जाती तो हमारे जो समाज में प्रेस्टीज है, नेम फेम है, उसमें आंच आती है। तो ये जो सीक्रेट इज लीक्ड, बोथ मेटेरियल वर्जन और स्पिरिचुअल वर्जन, ये दोनों वर्जन के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास, लेट्स बिगिन इट। अभी इस समय एक बहुत बड़ा खबर है, इस खबर है कि पांडोरा पेपर जो कि एक्सपोज हुआ है, एक एक्सपोज है, तो इसमें क्या हुआ है कि पूरा दुनिया भर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, हेड ऑफ द स्टेट, जो कि बिलियनरीज है, सेलिब्रिटीज है, बिजनेस लीडर्स है, इन लोगों का सीक्रेट हो गए, सीक्रेट ओपन हो गया है। क्या सीक्रेट ओपन हुआ है कि इन्होंने अपने देश से टैक्स बचाने के लिए या अपने जो ब्लैक मनी है, जो पैसा है, वो अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं विदेशों में, खास करके स्विट्जरलैंड में। तो हम देखते हैं कि ये एक जो जर्नलिस्ट ग्रुप है ICIJ, जिनकी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इन्होंने पूरे दुनिया भर में इनको रिसर्च करके ये पेपर लीक कर दिया है, लगभग 2.9 टेराबाइट्स का, जिसमें कि 12 मिलियन जो उनकी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे रिलीज कर दिया गया है। और वैसे भी 2016 में एक पानामा पेपर्स लीक हुई थी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो टोटल जो पैसा है 32 US ट्रिलियन डॉलर है, उतने डॉलर है। तो प्रश्न यहां पर जो है कि लीक तो हो गया है, लोगों को पता चल रहा है कि यू नो द लीडर्स दे आर कीपिंग द मनी आउटसाइड इन द कंट्री, और उसमें कोई देश को लाभ नहीं है। तो हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा है, जो देश की सेवक है, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों ने धन को विदेश में छुपाना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? और इसमें जो नाम है, सबसे पहला नाम जो है पुतिन का है। पुतिन कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट। और रशियन लोग क्या सोचते हैं, इनका विचार क्या है? कम्युनिज्म, साम्यवाद, सभी को समान अधिकार, क्लासलेस सोसाइटी, समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन देश की जो नेता है, अपने पैसा, जब साम्यवाद है, सबको पैसा समान होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने धन को विदेश क्यों रखा है? तो ईशो उपनिषद में हमारे मुनि ऋषियों ने एक बहुत सुंदर श्लोक बताया। उन्होंने कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगतम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता कश्यस्वित माम गृढ़ धन। इसमें बताया गया कि ये जो सारे जो संपत्ति धन है भगवान के है। ये अच्छी विचार है कि साम्यवादी लोग बोलते हैं कि सभी जो धन है स्टेट का होना चाहिए, प्रॉपर्टी स्टेट का होना चाहिए, लेकिन हमें इसमें चेक करना है व्हाट दे आर टॉकिंग बट व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग। तो यहां बताया कि पूरी जो संपत्ति है, पूरी जो धन है, ईश्वर का है, भगवान, इट बिलोंग्स टू गॉड। तेन त्यक्तेन भुंजिता कश्चित् माग्रद, इसे बताया गया कि जो तुम्हारे शेयर में, यू ट्राई टू एंजॉय दैट। तो देखिए, हमारे जो शेयर में हमको जो मिलता है, कैसा मिलता है शेयर हमारा? कर्मणो दैवनेत्रेण जंतव उपपद्यते। हमको अपने जो शेयर मिली हुई संसार में, ये शेयर जो है, हम अगर बाय चांस, अगर हम बोले ट्राई करेंगे, इट इज माय डिजायर टू अक्यूमुलेट मनी, नॉट पॉसिबल सर, संभव नहीं है। कर्मों के अनुसार, पूर्व स्वीकृति के अनुसार हमें इस संसार में धन मिलता है। इसलिए नारद मुनि अपने प्रिय शिष्य
व्यास को कहते हैं तस्य हेतु प्रयोतित कोविदः, जो बुद्धिमान व्यक्ति इसकी फेरे में नहीं पड़ते, इसके बारे में सोचते नहीं, वो विचार करते हैं कि हाँ संसार जैसा कि सुख और दुख, हाँ दुख बिना बुलाया आता है, उस तरह सुख भी हमको प्राप्त हो जाएगा। इट इज द साइंस, ये संभव है। लेकिन जब हमें अपने कोटा मिलता है, हमको अपने भाग को भोग करने को मिलता है, बट स्टिल व्हाई वी आर सो मच अटैच्ड। तो ह्यूमन जो टेंडेंसी है टू एक्यूमुलेट वेल्थ इज देयर, हम लोग धन इकट्ठा करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसा कि रास्ता पर अगर आप एक बोरी चावल गिरा देते हैं, पक्षियां आती है वो दो चार दाना खा जाती है और उड़ के चली जाती है, परंतु मनुष्य वहां से गुजर रहा है तो मनुष्य क्या करता है, एक दो दाना में संतुष्ट नहीं होता है, उसको पूरी चाहिए क्या, पूरी उसको बोरी चाहिए। अगर बोरी उठा नहीं पाएगा तो क्या करता है, वो किसी को बुलाता है और बोरी को उठा के ले जाता है घर। तो इसीलिए हमारे जो मनुष्य का जो टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति है, भगवत गीता में भगवान दूसरी अध्याय की 70 नंबर श्लोक में कहते हैं, अपूर्य मानम अचरम प्रतिष्ठ समुद्र आप प्रविशंति यदवत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति आपनोति न काम कामे। तो भगवान ने कहा कि जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स है, मेनी डिजायर्स आर देयर, इसमें जो सिक्स सेंस में ने कहा मनी 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 स्वीटर दान हनी ब्राइटर दान सनशाइन, तो मनी को एक्यूमुलेट करने के लिए खास करके मनी, ऐसा तो बहुत सारे हमारे डिजायर्स है बट तो खास करके मनी, इसलिए बताया गया कि द डिजायर टू एक्यूमुलेट मनी इज इनसाइड आवर हार्ट टू फुलफिल द डिजायर्स। वो तो डिजायर्स मेनी है, बहुत सारे डिजायर्स है, जैसे कि यहाँ बताया जा रहे हैं समुद्र आप प्रविशंति यद्वत, समुद्र की ओर जैसा जैसा नदियां बहती रहती है कंटिन्यूसली समुद्र तक पहुंचने के लिए, उसी तरह तद्वत कामा यम प्रविशंति सर्वे, उसी तरह हमारी कामना इच्छाएं हमारे अंदर प्रवेश करती है। अगर उस कामनाओं को जो व्यक्ति पीछे नहीं जाता, मतलब टू फुलफिल द डिजायर्स, वो पीछे नहीं है, स्वशांति मापनो, तो वो व्यक्ति शांति को आप प्राप्त करता है, नस काम कामी, जो कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं कामी व्यक्ति, जो कभी शांति नहीं मिल सकता है। तो इस तरह जो ह्यूमन टेंडेंसी है तो नो हाइड दे ट्राई टू हाइड एवरीथिंग, नो वन वांट्स टू नो द सीक्रेट, बट ये जो पानामा या पांडोरा पेपर जो लीक हो रहा है पूरी दुनिया में, हम देख रहे हैं जो हम आदर्श मानते हैं, यदत आचरते श्रेष्ठ तत्त एव तरोजन स प्रमाणम कृते लोकस्तत अनुवर्तते, जो प्रमाण की जा रही है, जो उसको एस्टैब्लिश की जा रही है सोसाइटी में, जो विद्वान लोग हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर गिविंग वोट, मिलियंस टू दिस लीडर्स, पर ये लीडर्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू कीप द मनी इन द, तो इससे हमको समझ में आ रहा है दिस लीडर्स आर नॉट द प्रॉपर लीडर्स। प्रभुपाद जी समझाते थे बिफोर देयर वाज मोनार्की, आज मोनार्की के बारे में अगर बात करेंगे तो बोलेंगे अरे हम डेमोक्रेसी में है, हम अपने आवाज बोल सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं, हमको लगता है कि वी शुड स्पीक इन एवरी इश्यूज, सब इश्यू में हमको बात करना है। देखो आज तक हमने कोई इश्यू को रेज नहीं किया, बट स्टिल भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि अननेसेसरीली ना कई प्रॉब्लम्स हमको आता है जिसको हमको टॉलरेट करना चाहिए, बट इफ यू गो फॉर प्रोटेस्ट रिजोल्यूशंस, आपने कई तरह की धारणाएं देती हैं, परंतु ये सब होने के बाद भी परेशानी है। इन 2004 2005 दे वर ऑलवेज प्रोटेस्टिंग फॉर द पेट्रोल प्राइसेस, है ना, आ तो 100 रुपये आगे हो गया, कोई प्राइस कोई प्रोटेस्ट नहीं, बहुत सारे महंगाई बढ़ रही है, बहुत समस्याएं सोसाइटी में, इश्यूज आर मेनी, बहुत समस्याएं, लेकिन इस सारे समस्या को हम हल नहीं कर सकते। तो मोनार्की में द लीडर्स विद द किंग्स, भगवदगीता में भगवान कहते किंग या जो लीडर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, उनकी जो
मतलब सोच विचार क्षत्रिय का क्या होना चाहिए। भगवद्गीता में 18 नंबर अध्याय में इस बात को भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि शौर्य तेज धृति दाख्य युद्धे च अपरायनम दान दमश्च भावश्च ख्यात्र कर्म स्वभावचम। भगवान कहते हैं शौर्य लीडर शुड हैव सम नो पावर स्ट्रेंथ धृति ही शुड बी डिटरमिंड दक्ष एक्सपर्ट होना चाहिए। और तो कहीं भी अगर युद्ध हो रहा है प्रोटेक्शन की बात आ रहा है दे शुड नॉट गो बैक दे शुड बी गो फ्रंट। लेकिन आज के लीडर तो भाग जाते हैं पूरे देश को छोड़ के भाग गए थे। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में हम देखते हैं मिस्टर घैनी हु लेफ्ट द कंट्री। डोनेशन देना लोगों के लिए चैरिटेबल एक्टिविटीज करना जैसे कि फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज वेलफेयर एक्टिविटीज ये करना ईश्वर भावस्य उनको लगना चाहिए मैं अगर नहीं हूं तो कौन है। ये क्षत्रियों की स्वभाव है। बट दिस लीडर्स आर कीपिंग द मनी इन आउट व्हाई कारण क्या है। जब ये लोग बोल रहे हैं कि वी वांट टू सर्व द कंट्री वी आर द लीडर्स ऑफ द कंट्री लेकिन अपने पैसा क्यों छुपा रहे क्योंकि दे आर फीलिंग इनसिक्योर। सिक्योर फील नहीं कर रहा है ड्यू टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है आज पोस्ट है कल नहीं। पहले जमाने में जो क्षत्रिय है द लीडर्स है इसलिए आप सोचिए हाउ मच मनी वी आर स्पेंडिंग फॉर द इलेक्शंस मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा तो हो रहा है क्या हमको रियल बेनिफिट मिल रहा है। कोई जन कल्याण काम नहीं है ना द प्रॉपर एजुकेशन ना प्रॉपर हेल्थ ना प्रॉपर लॉ ये मिलता नहीं। तो शास्त्र में हमको ये बताते हैं तो आप बोलेंगे कि नाउ दिस इज नॉट रिलीवेंट अभी वो तो काम पे नहीं आएगा सी सर हमको चुनना पड़ेगा हमारे लीडर्स हैं और हमारे लीडर्स पैसा लेके भाग जाए विदेश अन्य देश में जाकर रहे ऐसा हमारा विचार है। देखिए व्हेन द पीपल्स अलर्ट द थिंग्स विल बी चेंज्ड। जब लोग जागरूक होते हैं ना तो दुनिया बदल जाती है। आज से 100 साल पहले जब जार के शासन था राजा लोगों का शासन था लोगों को लगा कि राजा लोग बड़ी शासन कर रहे हैं ये लोग सारे नीति नियम हमारे ऊपर डाल रहे हैं हम साधारण जनता की आवाज को बंद कर रहे हैं हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं और उन्होंने अपने ऐश में रहते हैं। क्यों क्योंकि जो राजा लोगों को कोई एडवाइजर नहीं रहे दे वर नॉट इन्वॉल्व टू रीड द स्क्रिप्चर्स। पढ़ते तो थे लेकिन ऑर्थोडॉक्स जो फॉलोअर्स है रिलीजियन का सो कॉल्ड उन्होंने उनको प्रचार करते थे उन्होंने उनको समझाते थे। इसलिए कई जो शास्त्र का जो नियम है देश के जो नियम को उन्हें मैंडेटरीली इंपोज करते लोगों के ऊपर वो कहते भार ग्राही भार मतलब लोगों के ऊपर लाद देना। लेकिन सार क्या है व्हाट इज टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार क्या करना चाहिए। जैसे अभी आज के समय में अगर प्लेटफॉर्म आ चुका है सोशल मीडिया का सोशल मीडिया में अभी देखते हैं कि ट्विटर है फेसबुक है यूट्यूब है तो इसमें हम है ना एक दूसरे के भाव को व्यक्त करते वी रीच टू पीपल देख रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने मिसयूज करते अपने प्लेटफॉर्म को उसकी जगह पर सरकार ने उसमें रेगुलेटरी बोर्ड बनाता है कंट्रोल करता है उनको कंट्रोल कर देता है ऐसा नहीं कि उनको फ्री जो भी आप करें ऐसा नहीं हो सकता। और एट दिस सेम टाइम उनको भी फ्री विल देता है प्लेटफॉर्म देता है कि आप प्रचार करिए आप उसमें कंटेंट डालिए। सो दोनों है एक तो कंट्रोल भी होना चाहिए और ऑब्जर्विंग भी होना चाहिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो पीपल शुड बी अलर्ट हुम दे आर चूजिंग एंड द लीडर शुड ऑल्सो नो व्हाट इज द मोड व्हाट इज द एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ। जीवन का लक्ष्य को नहीं जानते ये सोचते हैं कि पूरी जीवन जो आयुष्य है ये 7 जनरेशन के लिए हम अपने पैसा रख लेंगे वैसा नहीं है। इनसिक्योर फीलिंग हो रहा है आहार निद्रा भय मैथुन ये जो भय है फियरफुलनेस इवन द ग्रेट ग्रेट लीडर्स बिग लीडर्स दे आर फियरफुल फॉर देयर फ्यूचर ये कारण है। उनको दोष देने से भी कोई मतलब नहीं। अगर आप दोष देते हैं ना दिस लीडर्स आर नो स्टीलिंग द मनी हाइडिंग द मनी इन फॉरेन कैसे आप करते हैं वैसी कंपनी बनाते हैं जो कंपनी का ना तो पेन पेपर में कंपनी बना हुआ कोई आदमी नहीं रहता है वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके पैसा को विदेश में जाकर के जहाँ पर बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स
है ही नहीं। इन देशों में जाकर के वो देखते हैं कि कहां पर ऐसी लॉज है और कहां पर इंटरनेशनल लॉ ही नहीं इसके बारे में। इस तरह धोखाधड़ी चल रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज द पीपुल हु आर द चीटर्स एंड चीटेड, जो धोखा खाते और धोखा देते हैं, कोई धोखा दे रहे कोई धोखा खा रहे। तो द सीक्रेट इज लीक्ड नाउ, और इस सीक्रेट के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं, क्रोकोडाइल क्राइंग, सभी लोग सोच रहे हैं कि अरे ऐसा ऐसा भी करते हैं, बट हमें समझना है हाउ टू कंट्रोल इट। सो इसीलिए कहा गया है कि पर्सन इन द मेटलिस्टिक लाइफ ही वॉन्ट्स टू डू ऑल दिस थिंग्स, तो रिनाउंसिएशन नहीं है, डिटैचमेंट है ही नहीं, लेकिन शास्त्र हमको समझाता है न संति अपनोति सकाम कामी, जो कामनाओं को पूर्ति करने के लिए चाहते हैं उनको कभी भी शांति नहीं मिल सकता है। इसीलिए शास्त्र में चैतन्य चरितमृत वर्णन किया गया है जो सीक्रेट है, एक्चुअली रियल हैप्पीनेस का जो सीक्रेट है वो आज ओपन हो चुका है सभी के लिए। आप सब जानना चाहते हो, वो है अनारपित चिरा चिरम करुणय अवतीर्ण करो समर्पित उन्नत उच्चोड़ रसम स्वभक्ति श्रीयम। भगवान कलिजुग में आकर के हमको अपना भक्ति प्रदान करते हैं स्वभक्ति श्रीयम, जो पहले जमाने में सीक्रेट को ओपन नहीं किया गया था उसको महाप्रभु आके सीक्रेट, चैतन्य महाप्रभु आकर के उसको सीक्रेट को ओपन कर देते हैं। कैसा है, दिस इज वेरी ब्राइट। मोस्ट सबलाइन एंड रेडियंट मेलो ऑफ डिवोशनल सर्विस द मेलो ऑफ कंजुगल लव, तो जिसमें कि व्यक्ति को जीवन में पूर्ण शांति मिल सकता है, आनंद को प्राप्त हो सकता है, रस का अगर को प्राप्त हो सकता है, वो हमको प्रदान करते हैं। तो सीक्रेट्स आर मेनी बट दिस सीक्रेट इज ओपन। तो अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को कोई स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है द प्रोसेस टू डिवोट वनसेल्फ टू द सुप्रीम लॉर्ड, देन वो विचार करता है दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई कर्स फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए मेरा कर्तव्य है। क्षत्रिय समझता है दान दमस्त ईश्वर भावस्त, he wants to give, he wants to open his wealth, he wants to help the society। तो इसलिए जो पांडोरा पेपर लीक हुआ है या पहले इसका लीक भी हुआ था, इसको बोलते हैं पानामा पेपर्स लीक हुआ था, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट टाइम टू टाइम डिस्क्लोज होता रहता है, और हम जानते हैं इस बात को कि दिस लीडर्स आर नॉट डूइंग एनी वेलफेयर थिंग्स फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए इनका कोई भलाई नहीं है, वो अपना सोचते हैं। इसलिए आप सुधीजन, यू आर ऑल इंटेलिजेंट पर्सन्स, व्हाट टू डू, बी अलर्ट इन योर लाइफ, डोंट बी आफ्टर मनी। आप हार्ड अर्न मनी करेंगे वो मनी को स्टील कर ले जाएगा, इसलिए समय को आप उपयोग करें भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में। यू विल एनर्जाइज योर मनी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा में जब मन धन लगाओगे तो धन आपका प्योरीफाई होगा, इन रिटर्न यू विल गेट मेनी थिंग्स। तो कहने के लिए इस टॉपिक में बहुत है, लेकिन आप लोग पांडोरा पेपर्स लीक हुआ है, आप लोग कई न्यूज़ सुनते होंगे, कई खबर मिलता होगा इसके बारे में, बट द टेंडेंस ऑफ द पीपल आपको समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। जगुरु श्रील प्रभुपाद की जय।